तो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए और अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का। लेकिन उसके पहले ही मध्य प्रदेश के उन सांसदों की चिंताएं बढ़ गई हैं जिनके टिकट कटे थे। सांसद से पूर्व सांसद होने जा रहे नेताओं को अपने सियासी भविष्य की चिंता सता रही है, जिसे लेकर कांग्रेस अब तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में फिलहाल बीजेपी के पास 28 सीटें हैं। 24 के इस चुनाव में बीजेपी ने 8 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा था। अब इन सांसदों को अपने सियासी भविष्य की चिंता सताने लगी है। हालांकि नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व इन नेताओं का सियासी किरदार तय करेगा, जिसे लेकर संगठन में मंथन भी चल रहा है। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ग्वालियर से सांसद विवेक शेजवलकर, बालाघाट सांसद ढालसी बिसेन, सागर सांसद राज बहादुर सिंह, धार सांसद छतर सिंह दरबार, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर, गुना सांसद केपी यादव। इन नेताओं को आगे की जिम्मेदारी को लेकर बीजेपी सही समय का इंतजार कर रही है, तो कांग्रेस ने खेती किसानी करने की सलाह दी है। आने वाले समय में संगठन सभी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दायित्व काम देके जो ध्येय है भारतीय जनता पार्टी उसके पद पर आगे बढ़ाता है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ भी यही होगा। राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है। अब ये जीरो पे आ गई प्रज्ञा जी, अब इनका तो पता ही नहीं कहाँ गई। पहले भी जनता के बीच में काम नहीं करती थी, चुनाव जीतने के बाद तो चुनाव जब टिकट नहीं मिली तो फिर कहाँ दिखाई देगी, आप कुछ सोचिए। जहाँ तक केपी यादव का सवाल है, जो ना के मेंबर पार्लियामेंट थे, वो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज व्यक्ति को चुनाव में हराया था, तो मुझे लगता कुछ ना कुछ भूमिका उनकी तय करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी का कोई फ्यूचर है बीजेपी में। संगठन में इनकी जिम्मेदारी क्या होगी ये तो समय ही बताएगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि संगठन इन नेताओं के पिछले 5 सालों के विकास कामों को देखकर जिम्मेदारी देने के मूड में है। अब देखना होगा कि विकास की इस बेला में कौन पास होगा और कौन फेल। रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।